न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में इस सप्ताह सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने डॉक्टर दंपत्ति संस्था के पूर्व छात्र डॉक्टर शीतल सोनी और डॉक्टर अभिषेक सोनी पहुंचे और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता के टिप्स उन्होंने दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित इस श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने पूर्व छात्र जो कि दंपत्ति हैं, वे इस मौके पर यहां पर पहुंचे। डॉक्टर शीतल सोनी व डॉक्टर अभिषेक सोनी यहां पर पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया, साथ ही उन्हें सफलता के टिप्स भी दिए। कोई आधार नहीं था, मतलब आर्थिक पक्ष देखें तो भी नहीं, पारिवारिक पक्ष देखें तो भी नहीं, और वो आज मेडिकल कॉलेजेस में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि भाई अभी पीजी कर रहे हो तो पीजी में आपको दिक्कत, सिलेक्शन में दिक्कत, बोले जो जो आप मतलब इन्होंने दो ड्रॉप लिए थे, बोले जो मैंने यहाँ झेल लिया ना, या मेरे में इतना, तो हम लोग एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं, नेगेटिव अफेयर्स, उससे हट के रहते हैं, दूर रहते हैं। पर जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता हम कब नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं और अपने फोकस से भटक जाते हैं। तो बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो आपको अपनी संगति सही रखनी है, जो स्टूडेंट हो, जो फोकस्ड हो कि हम इतनी दूर से आए हैं घर छोड़ के, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव उन्होंने मीडिया से साझा किया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आना तो मेरा सपना ही था। पहले मैं जब बेंच में बैठती थी, जब मेरे पास मोटिवेटर्स आते थे हमारे क्लास में, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी उस पोजीशन में जाऊँ एक दिन, और आज वो सपना पूरा होते हुए देख रही हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने आप से ही मोटिवेट होते रहती हूँ ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से, और आगे बढ़ने का मुझे और हौसला मिलता है। यहाँ कोचिंग करती थी तो यहाँ के टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ही हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि आगे पोजीशंस में आना, और फिर ऐसे ही प्राइजेस जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूट किए मैंने, उस हिसाब से फिर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ से। बच्चों ने सारे तरीके के डाउट्स क्लियर किए, उन्हें उनके जो डाउट्स थे रिवीजन के टाइम, क्वेश्चन पेपर्स के टाइम। मुख्य अतिथि बनना एक सम्मान की बात है, कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी पार कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। एंड बच्चों के डाउट्स थे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। टेस्ट सीरीज में जो गाइडेंस देने आते थे, उनका उनकी स्पीच, उनके प्रोस कॉन्स, वो कैसे उस चीज़ को पार किए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता था। तो वही चीज़ आज हो रही है, अच्छा लग रहा है। मुझे याद है सर का एक स्टोरी, जंगल में दो पत्थर रहते थे और एक पंडित जा रहा था उस जंगल से, तो वो पत्थर को देखते हैं और फिर दोनों पत्थर को बोलते हैं कि मैं आपको मंदिर ले जाना चाहता हूँ, और आप लोग डिसाइड कर लो कि किसको मूर्ति बनना है और किसको उसका रास्ता बनना है, मंदिर का रास्ता। तो एक पत्थर बोलता है कि नहीं, बहुत ठोकर खाना पड़ेगा मूर्ति बनने के लिए, पर फिर वो रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को। फिर दूसरा पत्थर को मूर्ति बनाते हैं और वो उसे पूजा जाता है, दूसरे पत्थर से चल के उस रास्ते पे जाते हैं, तो वो रोज़ ठोकर खाता है, और जो मूर्ति बना हुआ पत्थर है उसे एक बार ठोकर मिली है, पर वो हर दिन पूजा जाता है। तो वो मूर्ति बनना है हमें जिसे हम पूजे जाएँ। कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इस पहल का उद्देश्य बताया। आज हमारे टेस्ट सीरीज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में डॉक्टर शीतल सोनी, डॉक्टर अभिषेक सोनी दोनों सचदेवा के स्टूडेंट रहे हैं, और संजोग की बात है दोनों पति पत्नी हैं, तो दोनों आज उपस्थित हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा लगता है कि कोई सफल बच्चा हमारे पास आता है, और पुरानी यादों से हम लोग फिर से उससे बातें करते हैं, और वो अपने संघर्ष के दिनों की बात इन बच्चों को बताता है जो अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, मुख्य अतिथि अगर खुद चयनित है इसी संस्थान से, तो लोगों का भरोसा बनता है कि नहीं संभव है। किसी भी कंपटीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ना, कि लोग उसकी संभावनाओं से थोड़ा सा इनकार करते हैं या संभावनाओं को नहीं मानते हैं कि पॉसिबल है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको मैक्सिमम टाइम लगता है कि बहुत कठिन है, क्योंकि आसपास की पूरी दुनिया उसको यही बताती कि कठिन है। लेकिन एक सफल छात्र जब इनके सामने उपस्थित होता है तो वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल सरल है,
और ये भी बोलता है देखो मैंने किया ना, तो जब मैंने किया ना बोलना उनके सामने होता है तो वो बात इनको जचती है और इनमें सच में एक भरोसे की बात आ जाती है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। यही कारण है कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।